दोस्तों नमस्कार, स्वागत है चैनल अजय मिश्रा ब्लॉग पर। काफ़ी दिनों बाद एक बार आप देख रहे हैं पीछे स्टेशन का नाम घोघरडीहा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, बहुत दिन बाद अपने स्टेशन पर पहुँचा हूँ, लगभग एक सवा साल के बाद। और इस बीच में तो ट्रेन भी स्टार्ट हो गया है जैसे कि आप जानते हैं। तो चलिए फ्रंट से आपको दिखाते हैं, घोघरडीहा स्टेशन के बारे में कुछ बताते हैं और आगे धीरे धीरे अगर आपको प्यार मिलेगा तभी कुछ हम करेंगे। तो चलिए, सोचा एक वीडियो बना के जरूर दिखाऊँ अपने स्टेशन का। दोस्तों फिलहाल आप एकदम, मैं स्टेशन के अंतिम पर हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस साइड में सामने ये रास्ता गया हुआ निर्मली की तरफ। और अगला स्टेशन है वो हॉल्ट है, छोटा सा परसा बसवाड़ी हॉल्ट, उसके बाद निर्मली स्टेशन, फिर है कुपहा और फिर है सरायगढ़। इतनी जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि मैं इस रूट पर काफ़ी वीडियो बना रखा हूँ और ये प्रॉपर मेरा घर है, तो मैं यहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आइए, तो पीछे में मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे कहें तो मैं हूँ। यहाँ पे टोटल 4 पटरियाँ हैं, 4 ट्रैक हैं, 1, 2, 3 और इसके बगल में 4। और चलिए अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पोल गड़ा हुआ देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक पोल होगा, जो अभी इलेक्ट्रिक वायर इधर नहीं बिछाई गई है। वैसे मैं सुना हूँ जो तुमरिया तक आ चुका है और इधर इस साइड में आपका सरायगढ़ वगैरह से हो चुका है काम। चलिए अब मैं घूम जाता हूँ इस साइड में। यहाँ पे घोघरडीहा स्टेशन आपको लिखा हुआ बोर्ड दिख रहा है, सामने इधर पश्चिम है। और मोबाइल थोड़ा सा हिलेगा क्योंकि मेरे पास अभी स्टेबल वाला मोबाइल नहीं है, तो इग्नोर करें और थोड़ा फोकस करें। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि स्टेशन का मैं सब कुछ दिखा रखा हूँ। और सामने क्योंकि आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा लुक दिख रहा है आपको। तो यहाँ देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 उधर हो गया, 1 का पटरी, 2, फिर 3 और फिर 4, यानी कि 4 ट्रैक, 3 स्टेशन। छोटा छोटा शेड भी यहाँ पे लगा हुआ है जो पहले भी मैं दिखा रखा था। और यहाँ पर मैं जब शाम को मैं देखता हूँ लाइट रहती है, तो लाइट का भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे अंडरपास है बाज़ार जाने के लिए, इधर बस्ती है उड़िया और दाएं साइड में मार्केट है। मार्केट से 8 किलोमीटर आगे सीधे जो है वो NH आ जाता है, जहाँ से आप अलग जगह के बस वगैरह पकड़ सकते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो वगैरह, क्योंकि स्टेशन पे मैं आया नहीं था, दिन काफ़ी हो गए यहाँ पे, शौचालय भी बना हुआ है लेकिन बस हाल जो होता है स्टेशन वही है। पानी का टंकी भी लगा हुआ है लेकिन चालू नहीं है। और यहाँ पे 3 फ़िलहाल ट्रेन, लोकल ट्रेन आती है, सुबह में, दोपहर में और रात में। एक और ट्रेन स्टार्ट होने वाली है दानापुर जोगवानी इंटरसिटी एक्सप्रेस, लेकिन उसका हॉल्ट इस स्टेशन पे नहीं दिया गया है। वजह है यहाँ के नेताओं का तत्पर नहीं दिखाना, नहीं तो दरभंगा के बाद झंझारपुर झकड़ी स्टॉपेज है, झंझारपुर है और फिर निमल्ली है, घोघरडीहा स्टॉपेज नहीं है, तो बड़ी दुख की बात है। तो हमारे यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं वो नेता लोग जाने। बैठने का अच्छा खासा सीट बनाया गया है जहाँ मैं देख रहा हूँ, और इस साइड भी बैठने का सीट बैठने काफ़ी है। पानी का आप बेसिन लगा हुआ है लेकिन उसमें टोटी वगैरह नहीं लगा हुआ है, यानी कि पानी अभी इसमें नहीं है। इधर मार्केट है, स्टेशन का मेन जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं घोघरडीहा लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 3 भी लिखा हुआ है, सामने 1 लिखा हुआ है। तो हम एकदम अंत तक नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे स्टेशन को हम यहीं से आपको हम प्लेटफॉर्म संख्या अंडरपास से होके जाएं और 1 पर पहुँचें और फिर 1 का कुछ स्टेशन दिखाएं और फिर हम आगे अपना जो भी होगा वो आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा तो है ही क्योंकि ट्रेन यहाँ पे उतना आती नहीं है और लोग ज़्यादा यहाँ पे बस शाम को ऐसे बैठे हुए हैं। और मैं भी ऐसे घूमने पर पसंद आया था, लाइट यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा दोस्तों आगे आने के बाद यहाँ से अगर आप प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर आते हैं और यहाँ से आपको अगर बाज़ार जाना हो या यहाँ से आपको अगर अपने घर की तरफ जाना हो तो आपको अंडरपास का ही सहारा लेना है। अगर आप विधिवत सहारा लेते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से स्वचालित ट्रैक के माध्यम से आप बाहर जाएंगे, लेकिन गंदगी दोनों साइड है, स्टेशन का साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। बस चल गया, यही है अंडरपास में लाइट भरपूर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्टेशन साफ़ सुथरा नहीं है ऐसा तो मैं देख रहा हूँ। और बीच में
मैं एक चीज़ और देखा हूँ, यहाँ पर यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, स्टेशन से बाहर आएंगे तो यहीं से आपको निकलना होगा, बस्ती तरफ से आते हैं तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे आगे चलता हूँ लेकर दोस्तों। तो ये डेफिनेटली दो पर जाने का ही ऊपर इधर जाने का है, लेकिन मैं दायां घूम चुका हूँ, दाएं साइड यहाँ से जो रास्ता गया हुआ है, देखिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह एलो नहीं है, लेकिन लोकल का जो बेनिफिट होता है ना, ये लोकल उठाते हैं अच्छे काम के लिए, नहीं गलत काम के लिए। यहाँ स्वचालित है और इधर से हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाएंगे प्लेटफॉर्म संख्या एक पर। इस तरह से एक पर जाने का ये रास्ता है, लेकिन साफ सुथरा, सफाई के नाम पे 0/0 यहाँ पर हम इसको रैंकिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए थोड़ा स्टेशन का मुआयना करते हैं, यहाँ पे क्या रिजर्वेशन काउंटर भी खुला है या सिर्फ नॉर्मल टिकट ही मिलता है। ये स्टेशन से एक नंबर से पे हम थोड़ा सा इधर घुस जाएंगे पश्चिम की तरफ, और स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ बम्बू लगा रखा है, क्यों लगा रखा है पता नहीं, हो सकता है बाइक वगैरह नया है इसलिए। दूसरा, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये कुछ स्टेशन है जहाँ पे आपको अनारक्षित टिकट काउंटर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर फिलहाल ये किराए का लिस्ट है, और ये यहाँ पे कुछ लगा दिया किराया तालिका वगैरह लगा हुआ है, तो मरिया 10, हजारपुर 10, मनीगाछी 10, सकरी दरभंगा 20, ये जब स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी तो उसका ये किराया है, और अभी फ़िलहाल स्पेशल ट्रेन बन के ही ट्रेन चल रही है। तो ये कुछ किराया है। अगर मधुबनी की बात करें तो मधुबनी का भी इसमें होगा कहीं ना कहीं, जयनगर, राजनगर, कंडोल, हाँ मधुबनी 20 रुपया, राजनगर, कंडोल, जयनगर, राजनगर 20 रुपया, और इधर बात करें तो ये है फिलहाल किराया तालिका पाहुई थी 1/1/2020 से, जो अभी पता नहीं लिखा कुछ है और मिलता कुछ है। तो चलिए ये है कुछ स्टेशन पे, आप देख सकते हैं ये तीनों ट्रेन का यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा प्लेटफॉर्म संख्या एक पर व्यवस्था जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल एक दुकान भी यहाँ पर है, और ये हमारे एक लेकिन यहाँ पर मेरा मित्र नहीं बैठा हुआ है, उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं तो हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। और ये एक दुकान है अच्छा खासा जहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। तो आगे चलते हैं, कुछ आपको हम दिखाते हैं प्लेटफॉर्म संख्या एक पर। लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, काम करता है नहीं करता है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी यात्रा अभी तक नहीं किया हूँ। तो मैं कल शायद यहाँ से यात्रा करूँगा, और मैं एक बार देखना चाहता हूँ बाहर का जो यह हाल है। दो टंकी भी यहाँ लगा रखा है, तो पानी का व्यवस्था सभी होगा। ये देख लीजिए किस हिसाब से कचरा बना हुआ है यहाँ पर, और ये है बाहर का दृश्य थोड़ा सा इस साइड का, और सामने मंदिर है और फिर बाहर जाने का रास्ता है। दोस्तों इस कुछ इस तरह से ये है कवर्धिया रेलवे स्टेशन, जहाँ का वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया, और फिलहाल मैं भी एक पे मैं भी घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से स्टेशन पर एक साल बाद आया हूँ। ये शौचालय है महिला पुरुष, लेकिन दोनों में ताला लटक रहा है, और पानी का भी व्यवस्था नहीं है। इधर भी कुछ काम चल रहा है ऐसे मुझे पता है, यहाँ बहुत पुराना मकान पर हुआ करता था, सामने इधर स्कूल वगैरह है, और ये है स्टेशन का हाल अच्छा खासा है। आइए कुछ आगे से तो हम अपने सामने हिसाब से बात करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा घोड़िया स्टेशन का, मैंने एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाया है घोड़िया स्टेशन के, अगर मैं जिस साइड हम थे पीछे साइड, तो उधर अगला स्टेशन जो है वो है आपका चिकना, चिकना के तुमरिया मिथिला द्वीप पीछे, मतलब पश्चिम साइड, अभी मैं पूरब साइड हूँ। चलिए आगे से दिखा देते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी और भी चीज़ दिखाने प्रयास करते हैं। दोस्तों जहाँ से गए थे वहीं पहुँच गए, यानी कि मैं उस प्लेटफॉर्म पर था इधर देख लीजिए, और मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे हूँ यानी एक नंबर पे हूँ। सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, स्टेशन कितना बड़ा है पीछे, मैंने एक क्षेत्र में गया नहीं, काफ़ी लंबा स्टेशन है, 650 मीटर प्लस का स्टेशन है, और इस साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया निमली की तरफ जाएंगे, और इस साइड में दरभंगा की तरफ जाएंगे। बेसिक नीड की यहाँ पर कमी है, जैसे कि पानी पीने की समस्या, टॉयलेट बंद था,
और बस यही है, तीन लोकल ट्रेन चलती है जो अभी सहरसा से लहरिया सर है और लहरिया से सहरसा है। अगर देखेंगे तो टोटल 6 लोकल ट्रेन है, 3 आने का 3 जाने का। आगे चल के और भी ट्रेन मिलेगा, एक ट्रेन का लॉन्च हो चुका है, डेट फिक्स नहीं हुआ है, टाइमिंग पता नहीं है अभी, लेकिन वो ट्रेन घौरिया नहीं रुकेगी ऐसा भी पता लग गया है। और एक हो सकता है और लोकल ट्रेन जो इधर अभी झंझारपुर तक आती है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यही कुछ वीडियो मैंने आपको दिखाया घौरिया रेलवे स्टेशन का। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जहाँ भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।